हाय फ्रेंड्स, आज सोच रहा हूँ थोड़ा सा अपने लिए आंवला मुरब्बा बना लूँ। इसलिए जो खाने के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है, बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, और इसका पेट साफ़ नहीं होता उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। मेरे पास आंवला लाए हुए पड़े हुए हैं फ्रिज के अंदर, मैं उनको बनाता हूँ आज। आपको दिखाता हूँ पूरी क्रिया विधि कैसे बना रहा हूँ, बने रहे पूरी वीडियो में। दोस्तों, ये मेरे आंवला आप देख सकते हो फ्रिज में से लेते हैं, इनको चलते हैं इनको बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इनको। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं लेकर आ चुका हूँ आंवला, जो इस समय बिना धोए हुए रखे पड़े हैं। अभी अब इनको धोते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि इनकी गंदगी साफ़ हो जाए और अच्छे से क्लीन हो जाए। आपको दिखाता हूँ धोते हुए, इनको डाले थोड़ा पानी में। ये पानी मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिया है इस तरफ, इनको पानी में डाल कर अच्छे साफ़ कर लेता हूँ। 2 से 3 पानी धोने चाहिए कम से कम, इसकी अच्छे से गंदगी साफ़ हो जाए। अब इनको दूसरी बार धोने जा रहा हूँ, देखते हैं मैंने दोबारा साफ़ पानी ले लिया है, और धोने के बाद इसमें बाउल में रख दूंगा ताकि इनका पानी थोड़ा सा निखर जाए। जहाँ तक मुझे लगता है अब इसमें किसी प्रकार की धूल मिट्टी कोई डस्ट नहीं रही है, इसलिए आप रखते हैं इनको साफ वाइट बाउल में। दिखाते हैं आपको रखते हुए। मैंने धो के तैयार कर लिया आंवला, ये रख दिया मैंने साफ सुथरे बाउल में, आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर। और इस तरफ मैंने अपना गुड़ तैयार कर लिया है, अभी मैंने इसको तोड़ा नहीं है टुकड़ों में, इसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा ताकि अच्छे से उबल सके और इसका एक बखा टाइप का लिक्विड बन सके। इसको तोड़ लेते हैं टुकड़ों में, कोशिश करते हैं तोड़ने की, तो काफ़ी हार्ड है, जितना हो सकता है धीरे धीरे तोड़ लेते हैं अच्छे से उसमें, ताकि इसको पिघलाने में कोई दिक्कत ना हो। करते हैं दोस्तों को तोड़ के बारीक करते हैं। गुड़ को टुकड़ों में तोड़ के कर लिया है बारीक, ताकि ये थोड़ा जल्दी पानी में पिघल जाए और इसका अच्छा सा बखर बन जाए, ताकि आंवला इसमें अच्छे से अपने आप को मिला सके और इसका एक अच्छा सा आंवला मुरब्बा बन सके, जो खाने में काफ़ी टेस्टी हो। आप सभी जानते हो जैसे कि गुड़ गर्म होता है हमेशा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, और आंवला ठंडे होते हैं चाहे, और ज़्यादातर आंवला जो सर्दियों में ही आते हैं मार्केट में, गर्मियों में तो कभी नहीं दिखते आपको, बहुत ही कम रेयरली दिखेंगे, लेकिन सर्दियों में काफ़ी भारी मात्रा में आपको दिखाई पड़ते हैं मंडियों में या कहीं भी मार्केटों में, क्योंकि आंवला ठंडे होते हैं और गुड़ गर्म होता है। मैंने सोचा कि गुड़ और आंवला को मिक्स करके इनका आंवला मुरब्बा बनाया जाए, ताकि दोनों का मैचअप सर्दियों में बना रहे। गुड़ गर्म होता है, ये गर्माहट देगा, आंवला ठंडे होते हैं, ये थोड़ी ठंडक पहुँचाएगा शरीर के अंदर, पेट को साफ रखेगा, जिसको थोड़ी सी गैस होती है, गैस्टिंग होती है, उसके लिए थोड़ी सी मदद करेगा और उसकी गैस को रिड्यूस करेगा, कम करेगा, और उसको सेहतमंद बनाएगा। ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, फेस के लिए भी अच्छा होता है, और जहाँ तक तो आपको पता ही होगा कि ये ठंडा होने के कारण पेट में गैस भी नहीं होने देता है और आपको स्वस्थ रखता है। शुरुआत के दिनों में हो सकता है कि आपको ये सूट ना करें, हो सकता है सर्दी खांसी जुकाम कुछ हो जाए, लेकिन कंटिन्यू रखने से, धीरे धीरे इसको लगातार खाने से आपको इसकी आदत बन जाएगी और आपको इसको फिर सूट करने में, इसको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन इसको शुरुआत में खाने में कई इंसानों को, कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे खांसी जुकाम, और घबरा जाते हैं शुरुआत में, कोई भी नई चीज़ खाते हैं तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में पहले वो कभी गई नहीं होती है। जब हमारे शरीर में एक बार चली जाती है, धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है शरीर को, तो शरीर अपने आप ही उस चीज़ को पहचान लग जाता है और वो उसको अपनाना शुरू कर देता है। इसलिए इसको लगातार खाना चाहिए, एक बार बना लोगे तो आप गर्मी में भी खा सकते हो, ऐसा नहीं इतनी जल्दी ख़राब हो जाएगा, ख़राब नहीं होता ज़्यादातर, क्योंकि इसमें विटामिन सी इतना होता है जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है, और इतनी जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ भी नहीं है, आप उसको बना के कई दिनों तक रख सकते हो। आंवला मुरब्बा इम्यूनिटी बूस्टर होता है, जो खाना पचाने के बहुत अच्छा काम आता है। इससे खाने से हमारी सेहत तो अच्छी रहती है, साथ साथ हमारा फेस, चेहरा, मुस्कान, होंठ और हमारे जो बाल होते हैं काफ़ी हेल्दी रहते हैं। इन्हें खाने से आप समझ सकते हो काफ़ी लाभ होता है हमारे शरीर को। काफ़ी लोग इन्हें नहीं खाते हैं क्योंकि काफ़ी खाने में ये खट्टे होते हैं, इसलिए लोग इन्हें पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन इसके साथ खाने में ये थोड़े स्वादिष्ट हो जाते हैं, मीठेदार हो जाते हैं, जो खाने में अच्छे लगते हैं। मिठाई का रूप ले लेते हैं, एक मिठाई के रूप में हम इन्हें सुबह शाम एक टुकड़ा, एक पीस, ज़्यादा नहीं, अपने स्वाद अनुसार एक एक टुकड़ा खा सकते हैं, जो आपको किसी प्रकार का साइड इफेक्ट ना पहुंचाए। दोस्तों, इस तरह मैंने पानी उबालने के रख दिया, आप देख सकते हो ये पानी उबल रहा है, और इधर चाशनी उबालने रख दी है। अब इनको आप लोग इसमें डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से उबल जाए, ये आप देख सकते हो इसमें पानी उबल रहा है अच्छे से, ये इनको डालते हैं आप लोग को, ताकि टाइम से उबले और इनको बनाया जाए। और इस तरफ डालूंगा अपने गुड़ को, गुड़ी मैंने टुकड़ों में तोड़ के कर लिया है तैयार, डाल देते हैं आंवला ताकि आंवला उबले, इनको छोड़ देते हैं थोड़ी देर 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से उबल जाए और इतने उबल जाए कि इन्हें हाथ से 4 पीस में तोड़ा जा सके, ताकि पता चल जाए ये अगर टूट रहे हैं 4 पीसेस में तो पक गए, इतने ही पकाने होते हैं, ज़्यादा पकाने नहीं होते हैं। ढक देते हैं इनको अब और पकने देते हैं, वेट करते हैं इनका 10 से 15 मिनट, चेक करेंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे। और इस तरफ मैंने
गुड़ भी टुकड़ों तोड़ लिया है, अब इसको डाल देते हैं। इस तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है ताकि इसका थोड़ा सा बखर बनाए सके। आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी रखा था जो इसकी क्वांटिटी के हिसाब से, ताकि गुड़ इसमें पिघल जाए। ज़्यादा कुछ नहीं, गुड़ को पिघलाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ताकि गुड़ हल्का सा पिघल जाए। अगर आपको लगता है इसमें पानी कम है, गुड़ नहीं पिघल पाएगा, आप अपने अनुसार भी इसमें पानी ऐड कर सकते हो। मेरे को भी लग रहा है इसमें पानी कम है, गुड़ नहीं पिघल पाएगा, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ इसमें ताकि गुड़ इसमें पिघल जाए। और इसको थोड़ा सा हिलाता रहूँगा बीच बीच में ताकि गुड़ पिघलता रहे। और आपको दिखाऊंगा इसकी पूरा पूरी की पूरी क्रिया विधि। मैंने रख दिए हैं आंवला उबलने के लिए और गुड़ को पिघलाने के लिए, ताकि उसका बक्का टाइप का कुछ बन जाए, अच्छे से आंवला उससे मिक्स हो सके और उसका आंवला मुरब्बा बना सके। आप देख सकते हो मैंने ये दोनों एक साथ ही जला रखे चूल्हे, ताकि दोनों आराम आराम से एक ही समय में पक जाएं और उनको बनाने में ज़्यादा टाइम भी ना लगे। आप देख सकते हो, और आपको दिखाता हूँ पूरी वीडियो, बने रहे मेरे साथ वीडियो में। बीच बीच में गुड़ के पानी को चेक कर ले, कहीं गुड़ जल ना जाए, बक्कर जम ना जाए, इसलिए थोड़ा चेक कर लेते हैं इसको। आप देख सकते हो गुड़ अच्छी तरह से उबल रहा है, बक्कर बन रहा है इसका, थोड़ा हिला ले टाइम से। ये हमारी भतीजी आ गई है। हाँ जी भतीजी, दीसु बाबू आप क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ थीलियों में कपड़े किसने फेंके? लेकिन किसी ने नहीं फेंके, आपको क्या हुआ अचानक से? अचानक से मुझे एक दो तीन चार कपड़े दिखाए, तौलिया चुन्नी दिखाई दी। अच्छा, फिर आपको पता ही नहीं चला किसने फेंके हैं? हाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ? देखो मैं यहाँ पे ये बखर बना रहा हूँ गुड़ के पानी से, देखो कितना अच्छा सा कलर है। हाँ, और इधर आंवला, आंवला क्यों? अच्छा जी, कृष्णा माखन चोर। मक्खन खाते हैं, ठीक है कृष्णा को मक्खन दे देगा। ठीक है ठीक है, दे दूंगा। आंवला की चिंता ना करें, क्योंकि आंवला इतनी जल्दी कोई जमने का या कुछ जलने का कोई खतरा नहीं रहता, उसमें काफी पानी डाला हुआ है मैंने। लेकिन गुड़ में थोड़ा खतरा बना रहता है, क्योंकि इसमें पानी कम डालते हैं मक्खन बनाने के लिए। आप देख सकते हो उसको हिलाते रहे। ठीक है बाबू, दिखाता हूँ आपको, दिखाते हैं आपको, चिंता नहीं करो। ठीक है, आप तो बहुत सुंदर सुंदर लग रहे हो। अच्छा ओहो, किसने बनाई आपके लिए? कौन लाया, कौन लाया आपके लिए? और इसमें इच्छे नारा भी निकल रहा है, देखो। हाँ यार, बहुत अच्छे है यार, नारा तो निकल ही रहा है ये देखो। ये तो बहुत बड़ा नाड़ा है आपका, तो छोटा करो उसको बात के। क्या चमत्ता है? चलो ठीक है, मम्मी से कहते हैं ना। ठीक है, अभी मैं कर लूँ अपना काम। ठीक है, एक आध बार बीच में इनको चेक करते रहें, इनको हिला ले थोड़ा सा, आंवला को ऊपर से नीचे कर लें ताकि थोड़े से अच्छे से पक सकें और जल्दी पक सकें। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो इनको, क्या आंवला की शक्ल कैसी हो गई है। इस समय मैं आपको दिखाता हूँ आंवला कैसे हो चुके हैं पकते पकते। ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस वीडियो में, कुछ आंवला चटक गए हैं, ये आप नोटिस कर सकते हो इसको। ये आंवला चटका है, मतलब कि ये पक चुके हैं थोड़े थोड़े। ये आप देख सकते हो आंवला 3-4 पीसेस में टुकड़े होते हुए दिख रहे हैं इनको, उबलते उबलते। इसका मतलब ये अब इनको 5 से 10 मिनट और पकाना है, बस इसे ज़्यादा नहीं पकाना है इनके चटकने के बाद, क्योंकि ये काफ़ी थोड़े से नॉर्मल हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। इनको थोड़ा सा और पकाना, आप देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो ये आंवला अपने आप ही खुलने लग गए हैं इनके जॉइंट। और इस तरफ देखते हैं अपनी चाशनी को, जो हमने गुड़ का बकर बना के रखा है इस समय, कहाँ है ये, कितना अच्छे से उबल रहा है। आपको दिखाता हूँ बाबू, दिखाता हूँ आपको, चिंता मत करो, आपको दिखा रहा हूँ, देखना है ना आपको भी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको हिलाते रहिए ताकि ये थोड़ा जलना जाए, क्योंकि इसमें जलने का खतरा बना रहता है। और इसको चिंता ना करिए, अगर गाढ़ा भी हो जाता है तो आंवला डलने की वजह पतला हो जाए, क्योंकि आंवला के अंदर इतनी विटामिन सी होती है जो इसको जमने ही नहीं देगा। तो इसका आपको डाउट नहीं होना चाहिए यार, ये जम रहा है या कुछ हो रहा है, बस इसको जलने ना दें, इसको हिलाते रहें। अगर ये जम भी जाता है तो आंवला डालने के बाद ये अपना ही पतला हो जाएगा। आंवला के अंदर इतनी विटामिन सी होती है जो इसको पतला कर देगा। और आंवला भी देख सकते हो आप, काफ़ी पक चुके हैं। इनको थोड़ी देर 5 से 7-8 मिनट और छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से बन जाए, और इसमें डालते ही थोड़ा जल्दी बन जाए। 15 मिनट से भी ज़्यादा हो चुके हैं, 16-17 मिनट हो चुके हैं। अब इनको चेक कर लेते हैं एक बार, अगर ये खुल चुके होंगे, मतलब कि थोड़े फूट चुके होंगे, टूट चुके होंगे अपने उससे, तो हम इनको निकाल लेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने अच्छे से, ये देखो अपना आप ही खुल गया है ये, मतलब 4 पीसेस में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये 4 पीसेस में टूट चुका है, तो इसका मतलब ये पक चुका है। अब इनको गैस को कर देते हैं बंद और इनको निकाल लेते हैं अलग से, और इनके पानी को हम निकाल लेंगे इस बर्तन में, ताकि ये पानी इनसे अलग रहे, पानी ना जाए इसके अंदर, जो हमने चाशनी बना के रख रखी है, तो इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। चाशनी अच्छे से उबलती हुई आप देख सकते हो, ये थोड़ी सी लग भी गई है बर्तन पर, अच्छे से उबलते हुए आप देख नोटिस कर सकते हो उसको, काफ़ी हो चुकी है ये। अब इसको थोड़ा
पकने देते हैं हल्के से और आंवला निकालने की तैयारी करते हैं जल्दी जल्दी। तो और आंवला निकाल के इसमें रख देते हैं ताकि थोड़ा सा पानी इसमें निखर जाए और फिर हम इसको उसमें डाल सकें। ये आप देख सकते हो मैं इनको थोड़ा थोड़ा पानी निखारते हुए, और कुछ पीसेस तो इतने अच्छे से पक चुके हैं ये आप देख सकते हो, रखते ही टूट जा रहे हैं ये बिल्कुल। आप इसको खोल भी सकते हो, ये देख सकते हो बिल्कुल ऐसे इतने लाइक इसको पकाना पड़ता है ताकि बहुत ही अच्छा सा इसका आंवला मुरब्बा बन सके। दोस्तों आप करते हैं इसको निकालने की तैयारी जल्दी जल्दी और डालते हैं इनको चाशनी में। आप देख सकते हो ये अच्छी तरह पक चुके हैं, सिर्फ 15 मिनट मैंने उबाले इनको, 15 मिनट के जैसे 16 मिनट हुए मैंने इसको निकाल दिया और ये चार चार पीसेस में टूटने चुके हैं, आप देख सकते हो। हाँ जी मैं बना रहा हूँ, आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है मैं बना रहा हूँ, आप पियो अपना दूध पियो मेरी भतीजी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये आप देख सकते हो चार चार पीसेस में टूटने लग गए हैं, मेरी भतीजी बीच में आ गई थी। अब इनको डाल देते हैं चाशनी में, चाशनी अपने फ्लेवर में आ चुकी है, ये है गुड़ वाली चाशनी स्पेशल, इनको डाल देते हैं इकट्ठे। ये अपना पकने लग गया है आप देख सकते हो, इनको थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथ से हिला दें क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं पकने के बाद। दिखने में तो आपको बिल्कुल अजीब से लग रहे होंगे लेकिन क्या करें, खाने का टेस्ट खाने के लिए तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं। अब रंग कैसा भी हो लेकिन स्वाद अलग हो तो खाने का मन भी अच्छा करता है। बनाते हैं दोस्तों और चखाते हैं सबको घर में और उनके रिव्यू भी जानेंगे वो क्या क्या कहते हैं इसके बारे में। इनको हल्के हल्के हाथ से हिलाते हैं ताकि ये टूटे ना, अपने आप ही धीरे धीरे पक जाए। इनको तब तक पकाना है होता है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, थोड़े से इनका फ्लेवर इनका जो कलर है चेंज ना हो जाए, थोड़े थोड़े ब्लैक टाइप हो जाते हैं, हल्के से ब्राउन बोल सकते हैं उनको, और थोड़ी इनका जो अभी मोटापा है ये थोड़ा कम हो जाएगा उस समय, मतलब थोड़े से पकने के बाद ये काफ़ी चेंज हो जाएंगे। मैं आपको उनका कलर भी दिखाऊंगा पकने के बाद कैसे हो जाते हैं, किस लाइक किस लेवल तक इनको पकाना पड़ता है। आप पानी देख रहे हैं आंवला का पानी जो उबाल के मैंने रख रखा है पानी, इसे फेंके ना, इसे बोतलें भर ले किसी अच्छी बोतल में ताकि इसे सुबह शाम थोड़ा इतना इतना घुट के हिसाब से पीते रहें एक दो घुट, क्योंकि ये पानी आंवला का ही पानी होता है जो अपने बालों के लिए चेहरे के लिए सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर पानी है, विटामिन सी से भरपूर पानी है जो आपको हेल्दी रखेगा पूरे दिन पूरे समय, और आपका पेट भी अच्छा रहेगा, ताकि पेट अच्छा रहने के कारण आपका दिमाग भी अच्छा चलेगा और आपको तंदुरुस्ती बनी रहेगी। इसलिए इसको फेंके ना, बोतलें भर ले और उसको एक अच्छे लिक्विड के रूप में पिए सुबह शाम, जैसे आंवला जूस मिलता है बाहर मार्केट में उसी तरह समझ के इसको पीते रहें। दोस्तों एक बार इसको चेक कर लेते हैं, जो हमने आंवला मुरब्बा बनाने के लिए इसमें आंवला बकर में डाले हैं गुड़ के, आपको दिखाता हूँ इसमें कैसा कलर हो चुका है इसका। ये देखो आप देख सकते हो इसको, ये थोड़े से ब्लैक ब्लैक भी हो गए हैं, थोड़े से पक भी गए हैं। इसको ज़्यादा ना पकाएं, सिर्फ 10 मिनट तक आसपास को निकाल दें क्योंकि हो सकता है गुड़ इसमें कड़वा हो जाए। या दोस्तों चीनी का बकरा सभी बनाते हैं, मैंने सोचा कि थोड़े गुड़ के बकरे बनाए जाए, इनको थोड़ा नया तरीका अपनाया जाए बनाने का, इसलिए मैंने आपके लिए गुड़ के बकरे बनाए हैं। इनको देखते हैं खा के कैसा लगता है, कड़वा लगेंगे तो बताएंगे टेस्ट में कड़वा लगता है, नहीं लगते तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। चीनी के बकरे में तो हर कोई बनाता है, चीनी में तो अच्छे बनते हैं लेकिन गुड़ में कैसे बनते हैं ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इसको गुड़ में बनाया जाए। आप देख सकते हो ये अच्छी तरह कैसे चार चार पीसेस में अपने आप ही टुकड़े इसके बनते जा रहे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो आप और भी देख सकते हो काफ़ी चीज़ें इसमें, ये अपने अपने रंग में बदलते हुए थोड़ा थोड़ा ब्राउन भी हो रहे हैं, ये देख सकते हो आप हल्के हल्के ब्राउन भी हो चुके हैं। अब इसको थोड़ा हिला उलू के थोड़ा ढकना कहते हैं और इसको 2-3 मिनट के बाद निकाल देंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको उबाल के रख रखा है आंवला को, इसलिए पक जाएंगे और इनको टेस्ट कराएंगे अपने मम्मी बहन जो भी है घर में इस समय, उनसे टेस्ट करवाएंगे, उनसे रिव्यू पूछेंगे। और करते हैं दोस्तों इसको थोड़ा पकने देते हैं और टाइम का वेट करते हैं ताकि जल्दी से पक जाए। आप देख सकते हो इनका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, आंवला मुरब्बा पकाते पकाते 10 मिनट हो चुके हैं। जैसे आप देख सकते हो कढ़ाई में जहाँ मैंने आंवला गुड़ के पानी में उबलने रखे हैं ये अच्छे से पक चुके हैं, इनको चेक कर लेते हैं एक बार, अगर पक गए होंगे तो इनको कटोरे में रख के अपनी मम्मी को टेस्ट करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा उनका रिव्यू आता है। कर लेते हैं एक बार चेक इनको, क्योंकि 10 मिनट हो चुके हैं हमारे, आप देख सकते हो इनका कलर भी चेंज हो गया, काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं ये। एक बार हिला लो के देख लेते हैं कि ये किस तरीके से पक चुके हैं, आप देख सकते हो ये काफ़ी टुकड़ों में टूट भी रहे हैं, अपने आप ही टूट चुके हैं। वाह ये पकते पकते इसमें गुड़ के पानी में, मैंने कहा था ना कि गुड़ के पानी जमता नहीं है, ये देख सकते हो आप इसका कितना लिक्विड हो चुका है, पहले काफ़ी जमा जमा सा लग रहा होगा लेकिन इसमें विटामिन सी होने के कारण ये इसको जमने नहीं देता। हाँ बाद में ठंडा होने के बाद थोड़ा थोड़ा मोटा हो जाएगा लेकिन अभी इसको जमने नहीं देगा ये। तो दोस्तों रखते हैं इसको कटोरी में और देख सकते हो आप ये हल्के हल्के फूट भी रहे हैं इस समय, ये टुकड़ों में टूट भी रहे हैं, ये देख सकते हो मैंने टुकड़ा तोड़ भी दिया है इसका। तो दोस्तों अब इनको रखते हैं कटोरी में, गैस को करते हैं बंद और ये मैंने कटोरी तैयार कर ली है, कटोरी लेके कांचे कटोरी है, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए कैसे ले आ रहा हूँ मैं। 2-3 पीस निकाल लेता हूँ इसमें चखाने के लिए उनको कि
कैसे टेस्ट लगता है, कि इसे कंटिन्यू करना चाहिए लाइफ में या नहीं करना चाहिए। गुड़ के पानी में, चीनी के पक्के में तो हर कोई बनाता है, गुड़ के पानी मैंने पहली बार बनाया टेस्ट करने के लिए। दिखाते हैं आपको उनका रिव्यू, मिलाते हैं और ले आते हैं डायरेक्ट उन्हीं के पास। या अभी मैंने दो तीन पीस निकाले क्योंकि ज़्यादा बनते नहीं है, अंदर ले लेते हैं एक चम्मच और चलते हैं दोस्तों डायरेक्ट उन्हीं के पास और पूछते हैं उनसे इसका रिव्यू। चलते हैं दोस्तों सीधा अंदर। ये बैठी है हमारी माता श्री, आप देख सकते हो। मम्मी जी के एक पीस टेस्ट करके बतायो बताया, वो आराम से इसको गर्म हो रखे हैं। खाओ इसको एक एक टुकड़ा तोड़ के सुन ये तो गुलाब जामुन जैसे लग रहे हैं। सकते हो दोस्तों, ये गुलाब जामुन बता रहे हैं इस चीज़ को। ये पहले से कैसे हो रखे हैं टेस्ट करके बताना, गुड़ के पानी में कैसे लग रहे हैं, गुड़ के बकर में कैसे लग रहे हैं, ये चीज़ें बताना। मम्मी तोड़ती हुई, हाथ से तोड़ लो, मैं इतनी ज़्यादा गर्म भी नहीं हो रहे। ये गुड़ के बखर बन गया, गुड़ का बकर बना है, कैसा हो रहा, अभी कड़वा बहुत हो रहा, गर्म मीठा हो है, रहा है। अभी मुंह में डालने लायक नहीं है। थोड़ा हल्का फूंक मार के देख लो, चेक कर लो। ये देख सकते हो नौटंकी मम्मी। इसको मत खिलाओ नहीं तो ये बिल्कुल वो हो जाएगी, है ना बाबूजी। इधर को देख, ये मेरा मामा चल क्या रहे कि बहुत गर्म है ये। अच्छा बहुत अच्छा है। सही बताओ, टेस्ट कड़वा तो नहीं लग रहा, क्योंकि गुड़ में बनाया ना, गुड़ ज़्यादा जला ज़्यादा पकाने से कड़वा भी हो जाता है। नहीं, चलो नहीं फिर होता। आगे पास करो कटोरी, इनसे ही पूछते हैं। कुछ महफिल में और ही बैठे हैं मुझे जिनका भी मुंह खिलाओ, पानी से भरा जा रहा है। मुझे भी हाँ आपको भी खिलाते हैं, खिलाओ। आपको भी खिलाते हैं, आपको भी खिलाते हैं। आप बैठो ऊपर, बैठो ऊपर, बैठो। ये हमारा दीसू बाबू बैठ गया है, इसको भी खिलाओ। इनसे ही पूछते हैं टेस्ट कैसा लग रहा है। पूरा पान खा दे, कैसा लग रहा है गुड़ो? ओ गुड़ो खाओ खाओ जल्दी खाओ, इधर वाला खाओ और पहले, कैमरे के आगे बताओ भी कैसा लग रहा है आपको। ये वाला खाओ, कैसा लगा? कैसा लगा आपको बताओ, अच्छा आपके मुंह से लग तो नहीं ना अच्छा लगा, सही से बताओ, बहुत अच्छा सही लगा। से बताओ, सच बोलो। ये दादी खिलाती हुई नातिनी को, बताओ बताओ अच्छा कैसा लग लगा, रहा है। ये आंवला मुरब्बा है, कैसा लगा आपको गुड़ के पानी में, बहुत अच्छा। अच्छा लगा, सही से बताओ, सच बोल रहे हो ना। गिरेगा चलो अपनी बहन को पूछते हैं कैसा लगता है, खा के टेस्ट जल्दी जल्दी बताओ, खा के टेस्ट करो। और नए तरीके से बनाए मैंने, चीनी के बकरे तो हर कोई बनाता है। पूछते हैं इनसे कड़वा लग रहा है, मीठा लग रहा है, ना, कैसा लग रहा है। मीठा लग रहा है ना, फीका ही लग रहा ये देखो, चलो भाई एक ने तो अच्छा रिव्यू दिया। मिलाते हैं एक और इंसान से, खाली छोड़ छोड़ खुशबू छोड़ की खुशबू छोड़। आ रही है। ये अब ले चलते हैं भाभी श्री के पास, इनसे पूछते हैं। ना मीठा ना खट्टा, आंवला मुरब्बा, एक ने तो बता दिया है, अब इनसे पूछते हैं कैसा लगता है। हो सकता अच्छा है है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा हो सकता है, गुड़ इस समय कम हो चुका हो, नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि क्या था ना, बखर जमने के बाद उसमें हम डालेंगे कटोरी में, जिस डब्बे में हम आंवला को अभी ये रखेंगे, गर्म है ना। गरम भी, इसलिए भी आपको मीठा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि खट्टा ज़्यादा होता है ना आंवला के अंदर। अगर इसको बखर को हम उसी में डालेंगे तो लास्ट में ज़्यादा मीठा हो जाएगा ऑटोमेटिक। अभी गरम गरम लाया उनको चखाने के लिए। फ्रेंड्स मैंने आंवला मुरब्बा बना के सबको चखा दिया, उसका रिव्यू भी आपको दिखा दिया, किसी ने अच्छा बताया तो किसी ने बुरा बताया, आपने सबको सुन लिया होगा इस वीडियो में। हो सकता है इस समय गुड़ की क्वांटिटी कम हो चुकी हो, जिस वजह से उनको ज़्यादा मीठा ना लग रहा हो, लेकिन अपने अनुसार गुड़ की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं आप। लेकिन दोस्तों मैंने जो खाया इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, आप भी बनाइए अपने लिए। बनाने के बाद इसको शीशी में रख लीजिए ताकि ये ख़राब ना हो, किसी कांच की शीशी में रखने के बाद काफ़ी टाइम चल सकता है, काफ़ी महीने चल सकता है। इसको आराम से एक टुकड़ा शाम सुबह और शाम को खाइए, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा, आपकी सेहत भी बनी रहेगी, फेस का कलर भी अच्छा रहेगा और आपके हेयर भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ होंगे और काले काले बने रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नए शानदार ब्लॉग में।